Welcome to Android World. Podcast. दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ तेजस बेंद्रे और एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने एंड्रॉयड वर्ल्ड के पॉडकास्ट में। दोस्तों आज हम और एक जानकारी लेके आए हैं और एक जो यूज़फुल एप्लीकेशन है ब्लाइंड लोगों के लिए उसे आपके लिए लेके आए हैं और उसका नाम है ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली ब्लाइंड के लिए बनाया गया है और बेसिकली ये एक कीबोर्ड है एंड इसे हम अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। बहुत ही अलग अलग ऑप्शन हैं। अगर आपको ये इस्तेमाल करना है तो आपको इसे परचेस करना होगा प्ले स्टोर में। इसे हम 100 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। तो आज जो हमें ये एप्लीकेशन का डेमो दिखाने वाले हैं वो है दाऊद गुजरात से ताहिर जी। तो बिना वक्त गवाए हम चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे लिए कितना यूज़फुल है और हमें इसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ताहिर फ्रॉम दाऊद गुजरात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ और ये पॉडकास्ट है मेरे फेवरेट कीबोर्ड ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड का। तो इस कीबोर्ड का की फीचर मैं आपको बताऊँ तो ये कीबोर्ड में आप डबल टैप यानी डबल टैप से टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये अभी तो ये एक लौता ऐसा कीबोर्ड है जिसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये ब्लाइंड के लिए जो बेसिक यूज़र है, बिगिनर्स है, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सीखने जब हम नया एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो हमें कुछ दिक्कतें आती है लिफ्ट टू टाइप वाले कीबोर्ड से, तो ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड रहेगा उन लोगों के लिए। और इसमें आप इंग्लिश के साथ हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं और वॉइस इनपुट से भी आप अपने इस कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। तो और काफ़ी इसमें अलग अलग टाइप के कीबोर्ड अवेलेबल है, जैसे कि पीसी में हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो भी कीबोर्ड है, कंट्रोल अल्टर वाला। फिर दूसरे भी काफ़ी कीबोर्ड के इसमें डिफरेंट लेआउट है। क्वार्टी कीपैड जो हम नोकिया E5 में यूज़ करते थे, ऐसा कीबोर्ड भी अवेलेबल है इसमें। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ये खुल चुका है ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड। अब हम स्वाइप करेंगे इनेबल कीबोर्ड बटन। तो यहाँ पर आपको इस कीबोर्ड को इनेबल करना है। तो यहाँ पर डबल टैप करेंगे, ये लैंग्वेज इन इनपुट डायरेक्ट खुल गया है जो हमारा लैंग्वेज इन इनपुट होता है सेटिंग में। तो वहाँ से हमें ये कीबोर्ड पहले सिलेक्ट करना है। ये नॉट चेक है, इसको चेक करेंगे। Alert attention, this input method may be able to collect all the text you type, including personal data, okay, like passwords and credit cards. Attention, this input method may cancel button, okay. Language and input, showing items 1 to 7 of 7. कीबोर्ड यहाँ पर इनेबल कर दिया गया है। ठीक है, ये चेक हो गया, स्विच अनचेक था। तो अब उससे बाहर हम आएंगे। अब ये सेटअप करना है इसको। तो यहाँ पर कीबोर्ड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कीबोर्ड बटन है, इस पर डबल टैप करेंगे। Change keyboard, choose keyboards. ये यहाँ पर चेंज कीबोर्ड है। Blind accessibility key, checked. Radio button, English, US, Google keyboard. Choose keyboards button. Checked, not checked. Radio button, blind accessibility keyboard. Not check है, इसको अब चेक करेंगे। Setup, select keyboard, 2/4. Setup, select keyboard layout, 3/4. कीबोर्ड का लेआउट हमें सिलेक्ट करना है। Setup,
Select keyboard layout, 3/4. Select keyboard layout button. पर डबल टैप करेंगे. Choose keyboard. Underscore margin. Showing item. Choose keyboard. Choose keyboard आ गया है यहाँ पर. More options button. Language. Drop down list. Untitled us. ये untitled US us बोल रहा है. ये untitled US है. इसमें अब अगर आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें आप खोलेंगे तो देखिए काफी सारे की लैंग्वेजेस और मिलेंगे आपको. इसमें US 25 आइटम है. काफी सारे कीबोर्ड ये सब लैंग्वेज बोल रहा है. Untitled in जो आपने सुना ये जो भी हिंदी यूज करना चाहे तो ये untitled in वाला जो फीचर है जो कीबोर्ड का लेआउट है वो पसंद करेंगे. लेकिन इसमें अभी एक फैसिलिटी आ गई कि हम कीबोर्ड अलग अलग कीबोर्ड पर स्विच ओवर कर सकते हैं. तो ये वो कैसे करना है आगे हम पॉडकास्ट में देखेंगे. तो अभी हम नीचे जाएंगे. ये लास्ट है untitled us यानी US. इस पर डबल टैप करेंगे. Choose keyboard. Showing up. Choose keyboard. More options button. Language. Drop down list. Untitled us. Language में हमने लेआउट में untitled US सिलेक्ट कर दिया. अब नीचे जाएंगे. Keyboard. Keyboard कौन सा यूज करना है. Drop down list. Us underscore margin. US underscore margin. इस पर डबल टैप करेंगे. Showing 8 items. अब इसमें मार्जिन वाला है. नो मार्जिन वाला है यूएस का. पीसी में जो आप यूज करते हैं ये है. पीसी प्लस है यानी कुछ एक्स्ट्रा की मिलेंगी आपको पीसी में जो मिलती है उसमें से उस पीसी में जो पीसी हमारा कीबोर्ड में कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें आएगा. लेकिन प्लस में कुछ एडवांस की आपको मिलेगी. QWERTY plus round, round, small. अभी हम small choose करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल Google keyboard का जो default Google का जो keyboard होता है ऐसे ही होता है या फिर आप Google Indic keyboard use करते हैं ऐसा ही होता है. तो हम ऐसा layout लेंगे क्योंकि ज़्यादा की वाले जो भी keyboard है उसमें क्या problem होती है कि काफी कीज होती है वो एक दूसरे के करीब आ जाती है जगह नहीं रहती है. तो आप करना कुछ चाहेंगे और बाजू में जो की होगी वो बहुत नज़दीक होगी तो वहाँ पर भी आपका उंगली आपके जो फिंगर है वो फिसल के वहाँ पर जाएगी तो वो दूसरा टाइप होने की ज़्यादा संभावना है. तो स्मॉल वाला जो है उसमें काफ़ी गूगल जैसा ही कीबोर्ड है और उसमें की भी थोड़ी जगह रख कर आपको मिलेगी गैप थोड़ा मिलेगा आपको इसकी वजह से आप अच्छे से टाइप कर पाएंगे. तो मैं ये स्मॉल वाला अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है ये आपने कीबोर्ड सिलेक्ट कर दिया. अभी मेन 1/28 यानी जो उसका मेन कीबोर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया स्मॉल वाला उसमें 28 कीज आपको मिलेगी यानी 28 कीज इज वेरी गुड. आपको गैप भी मिलेगा अच्छा खासा. अब यहाँ पर नॉट चेक यूज मल्टीपल कीबोर्ड. तो अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के कीबोर्ड मिलेंगे आप स्विच ओवर कर सकते हो एक कीबोर्ड से दूसरे कीबोर्ड पर. तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा ठीक है तो अब देखिए नीचे मैनेज मल्टीपल कीबोर्ड का बटन है. तो यहाँ पर आपको डबल टैप करना है. अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप कौन सा दूसरा कीबोर्ड स्मॉल के साथ कौन सा दूसरा कीबोर्ड यूज करना चाहेंगे. इसमें बताया गया है कि अगर आप स्पेस बार पर लॉन्ग प्रेस रखोगे तो आप अलग अलग कीबोर्ड पर स्विच कर सकते हैं. तो वे मैं आगे जो प्रैक्टिकल कीबोर्ड हम जब यूज करेंगे तो आपको वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो स्विच ओवर करता है दूसरे कीबोर्ड पर. तो अभी हमें सिलेक्ट करना है कौन सा दूसरा कीबोर्ड हमें यूज करना है. ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन पर आपको अलग अलग कीबोर्ड चाहिए तो क्योंकि हमें तो यहाँ पर
लैंडस्केप यानि जो हमें मोबाइल हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं रखना है, वर्टिकल ही रखना है, तो फिर यहाँ पर वो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सिलेक्टेड हमारा स्मॉल वाला है यूएस का, एड कीबोर्ड का जो बटन आया उस पर हम डबल टैप करेंगे। कर हमने यहाँ पर ऐड करने के लिए अब ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा कीबोर्ड आप दूसरा यूज करना चाहेंगे स्मॉल के साथ। ये सब कीबोर्ड दिए गए, पूरा लिस्ट है यहाँ पर। अब मैं नीचे जाऊँगा डायरेक्ट लास्ट में, क्योंकि हमें यूएस लैंग्वेज वाला चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप इस कीबोर्ड को अच्छी तरह से यूज करना चाहते हैं तो आपको आपका जो सिस्टम लैंग्वेज है यानी फोन का लैंग्वेज है वो भी यूएस रखना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो। और जो एलिक्वेंस आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप टीटीएस यूज कर रहे हैं उसका भी डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको यूएस रखना पड़ेगा, तो आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो अभी मैं यूएस नीचे जाऊंगा लास्ट में। ये लास्ट में मैं आ गया हूँ। ठीक है, यूएस अंडरस्कोर QWERTY। ठीक है, पीसी लेते हैं हम। डबल टैप करता हूँ। ठीक है, अब ये पीसी वाला हमने सिलेक्ट कर दिया। अब आपको बताएंगे, देखिए सिलेक्ट कीबोर्ड के नीचे स्मॉल है और ये पीसी भी यहाँ पर ऐड हो गया है दूसरे नंबर पर। अब हम हिंदी भी ले लेते एक, यहाँ पर वापस ऐड में जाता हूँ नीचे। अब यहाँ पर IN लेना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको जो लेआउट है कीबोर्ड का लैंग्वेज का वो IN अनटाइटल्ड IN लेना है, तो हिंदी भी आप यूज करेंगे। तो अब यहाँ इस लिस्ट में से मैं IN ढूंढता हूँ। एक पीसी का है हिंदी वाला और स्मॉल वाला है हिंदी का, तो हम स्मॉल वाला ही सिलेक्ट करते हैं। इन अंडरस्कोर हिंदी, देखिए अब तीन कीबोर्ड हमने सेट कर दिए यहाँ पर, तो तीनों कीबोर्ड अभी दिखाएगा यहाँ पर। ये स्मॉल, ये अंडरस्कोर पीसी और हिंदी स्मॉल वाला भी आ गया। ये तीन कीबोर्ड हमने सिलेक्ट कर दिए जिस पर हम स्विच ओवर करेंगे। ठीक है, तो ये अब सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अब बैक जाना है ये कीबोर्ड का लेआउट और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर से भी ये पूरा मैनेज ये हमने कर दिया है, कीबोर्ड अलग अलग ऐड भी कर लिया जो स्विच, और यहाँ से भी बैक जाएंगे। अब सेटअप में ये लास्ट स्टेज है, हमें पूरा कीबोर्ड अब सेट हो जाएगा। 4/4 हमने सुना, चार इसमें जो पार्ट है, पहले कीबोर्ड सिलेक्ट करना है, फिर उसका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, लेआउट सिलेक्ट करना है, अब उसका सेटिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चौथे लास्ट स्टेज में यहाँ पर सिलेक्ट लुक, अब लुक किस तरह का इस कीबोर्ड का होना चाहिए, तो ये देखिए सिलेक्ट लुक पर डबल टैप करेंगे। ये चूज लुक, अब यहाँ पर जो भी है हम सेटिंग उसका बनाएंगे पूरा। प्री डिफाइंड लुक है जो उसका आता है, प्री डिफाइंड यानी जो बाय डिफॉल्ट इसका लुक आता है ऐसा ही आपको रखना है, तो हाँ हम ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, और कस्टम कलर,
आप अलग अलग कलर अलग अलग फॉन्ट का भी रख सकते हैं, जो जिसको भी लो विजन है वो ये फीचर यूज कर सकते हैं। अगर कस्टम में जाएंगे तो आपको अलग अलग कलर्स अलग अलग थीम इस कीबोर्ड की मिलेगी, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ। कस्टम इमेज भी आएगी, वो भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ब्लाइंड पर्सन के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है कि वो उसका कलर कैसा है या फॉन्ट कैसे है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ब्लैक, ये ब्लैक जो प्री डिफाइंड है उसका कलर। टेक्स्ट साइज है बटन 74, अनलेबल्ड, सीट कंट्रोल 100%, 100% इसका टेक्स्ट साइज है। ठीक है, अब ये हमारा लुक भी यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। अब सेटिंग बनाने बाकी हमारे, तो हम वापस बैक जाएंगे। सेटअप पूरा फिनिश हो गया आपका। इस तरह से आप पूरा कीबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद ये चार स्टेजेस जो इसके हैं पार्ट, उसको सब सारा सेटअप आपका कीबोर्ड का पूरा सेटअप यहाँ पर फिनिश होता है। अब जो सेटिंग बनानी है उसके लिए हमें एप्स में जाके ये ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले फिनिश कर देते हैं इसको। सिलेक्शन फिनिश्ड, द कीबोर्ड इज नाउ रेडी टू यूज। ठीक है, सिलेक्शन फिनिश, द कीबोर्ड इज नाउ रेडी टू यूज। ग्रेट बटन है, उस पर डबल टैप करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर सेटअप फिनिश होगा। ठीक है, हम वापस बाहर आ गए ग्रेट पर डबल टैप करने के बाद, तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ गए। अब हम एप्स में देखेंगे तो ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड आ गया होगा। ठीक है, ये ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड एप्स में आ गया है, तो उस पर डबल टैप करेंगे। अब ये सेटिंग्स आ गई है ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड। देखिए, जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया था वो वर्जन यहाँ पर 3.4.1। यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, आप डेवलपर्स को अपना फीडबैक दे सकते हैं इसके बारे में, जो भी फीडबैक्स आप देना चाहें। Open website with forum and fact. इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। Layout. अब लेआउट तो हमने जैसे सिलेक्ट कर दिया है। Choose keyboard layout. ठीक है, तो लेआउट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जो स्टेजेस आगे किए उसमें उसका लेआउट हमने ऑलरेडी हमें जिस तरह से चाहिए वो कर दिया है। तो अब नीचे जाएंगे। Keyboard editor. Keyboard editor. Tap, large tablets and landscape mode only. ये लार्ज टैबलेट के लिए है, उसमें आपको अगर गैप ज्यादा चाहिए तो दो की के बीच में no. तो यहाँ पर नो ही रखेंगे क्योंकि हम तो मोबाइल में यूज कर रहे हैं, टैबलेट में नहीं, क्योंकि टैबलेट का स्क्रीन बड़ा होता है तो गैप चाहिए हमको। ठीक है, हम नीचे जाएंगे। कस्टम कीबोर्ड इन्फो, इसमें इम्पोर्ट कीबोर्ड है। ये फीचर आप कोई भी कीबोर्ड यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट इट, मैं भी इसके बारे में मैंने इम्पोर्ट करके देखा लेकिन ये फीचर पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है या कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा है। मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लोर करना चाहा लेकिन कोई कीबोर्ड यहाँ पर इम्पोर्ट करने के लिए मुझे, मैंने एक कीबोर्ड के APK फाइल मैनेजर में रख के इस कीबोर्ड को इम्पोर्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। तो अगर आगे अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आप लोगों को के साथ ये शेयर करूंगा। अभी नीचे जाएंगे हम। डिस्प्ले, अब डिस्प्ले इसका सिलेक्ट करना है हमें, किस तरह का डिस्प्ले चाहिए। Look. इसमें लुक, डिस्प्ले में आपको लुक कैसा रखना है। Choose look. ये लुक आ गया। प्री डिफाइंड लुक जो हमने आगे इसको कर ही दिया है कि आपको अलग अलग तरह के इसमें कलर्स मिलेंगे। कस्टम कलर रेडियो बटन, कस्टम कलर, नॉट चेक, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये पूरा वही है। टेक्स्ट साइज, इसमें टेक्स्ट साइज भी, ये सब हमने जो थर्ड स्टेज था कीबोर्ड का उसमें सिलेक्ट कर दिया है। तो हम बाहर आ जाएंगे इसमें से। सेटिंग्स, ठीक है, ये वही लुक वाला है जो हमने पहले देखा था। मैं इसमें जाकर इस तरह इसलिए आपको बताया ताकि आपको पता चले कि ये उसमें लुक में वही सेटिंग है जो ऑलरेडी हमने कीबोर्ड सेटअप करने में कर दी है। ये प्री डिफाइंड लुक ब्लैक आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे जाएंगे। कीबोर्ड हाइट इन लैंडस्केप, कीबोर्ड हाइट इन लैंडस्केप
ये 89% सही है, इसको चेंज नहीं करना है. कीबोर्ड हाइड एंड पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मोड में 100% जो हम यूज करते हैं, तो इसका हमको 100% ही चाहिए. अब नीचे जाएंगे. यूजर डिफाइंड टेक्स्ट, यूजर डिफाइंड कीज, यूजर डिफाइंड की. आप कुछ ऐसी कीज बना सकते हैं जो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो, आपका एड्रेस हो, आपका नाम हो, ठीक है, या आपका कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, वो सब यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं. यानी इसकी एक की बना सकते हैं जिसको वो की पर जस्ट प्रेस करने से वो पूरा नंबर आ जाएगा. तो हम यहाँ पर, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताना चाहूँगा कि किस तरह से सेट करना है. डबल टैप करेंगे इसको, ठीक है. मैनेज यूजर डिफाइंड की आ गया. मैनेज यूजर डिफाइंड ऐड एंट्री, ऐड एंट्री. तो यहाँ पर अब ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डबल टैप करेंगे. अब लेबल ऑन की, आपको लेबल क्या रखना है की. Add user defined key, label on key. Edit box, currently editing. तो उस की का नाम क्या रखना चाहेंगे, तो मैं डबल टैप करूंगा. अब कीबोर्ड आपको नीचे आ गया है, तो वहां पर आपको अब ये क्या नाम रखना है, वो की पर लेबल क्या रखना है वो की का, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है. तो जैसे कि मैं यहाँ पर करना चाहूँगा अपना एड्रेस, छोटा सा एड्रेस, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है. S A A F D D D F D D D E R R E E A S S S S. ये एड्रेस का मैंने लेबल, लेबल का नाम एड्रेस रख लिया है. है ना. अब नीचे जाएंगे. अब एड्रेस क्या है वो देखना है. Label on key. Edit box. Cancel button. Edit box. Currently editing. Address. Edit box. Currently editing. Add user defined key. Edit box. Currently editing. Address. Address. Cancel button. Okay. Okay करना है. Alert add user defined key. Text to write. Cancel. Okay. ये label के बाद आपको text to write, यानी क्या ये address की पर आप tap करें तो क्या आना चाहिए, तो अब आपका एड्रेस यहाँ पर लिखना है. अब यहाँ पर मैं मेरा एड्रेस लिखूंगा, छोटा सा दाहोद. Space, tab, shift, shift the name, H, G, I, U, U, N, J, A, A, R, shift, A, A, Y, E, E, Dahod, Gujarat में लिखा है. Edit box, currently editing, Dahod, Gujarat. ठीक है, तो ये अब Dahod, Gujarat मुझे अब जहां भी लिखना है, तो जस्ट मैं एड्रेस वाले की पर टैप करूंगा तो वो लिखा जाएगा. अब यहां पर वापस ओके करना है. 9, 8, cancel button, okay button, manage user defined keys, तो ये आपकी एक की हो गई है, लेबल, manage address, Dahod, Gujarat, address, Dahod, Gujarat, पूरा आपको बता दिया है यहाँ पर, कि address में Dahod, Gujarat लिखा हुआ है. अब add entry, यहाँ से और add कर सकते हैं. अब यहाँ से back जाएंगे, settings, वापस setting में आ गए हम. Keyboard, hide portrait. तो ये मैंने बता दिया आपको यूजर डिफाइंड की. अब नीचे जाएंगे. ये काफी मेरा फेवरेट फीचर है, और कुछ इस ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड में कुछ छोटे छोटे बग होने के बावजूद मैं इसको यूज स्पेशली इसी फीचर के लिए करता हूँ. ये बहुत ही अच्छा फीचर है, और ये फीचर आपको और किसी कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ. आप नीचे जाएंगे. Behavior. Template. User defined keys. अब templates में behavior. Behavior कैसा होना चाहिए. Tab mode. Tab mode. Behavior में tab mode. Lift to type. Lift to type. ये lift to type है, यानी आप finger ले जाकर just lift कर दे तो वो type हो जाएगा. इसमें अगर आप double tap करेंगे तो double tap भी हो सकता है.
ठीक है, अब देखिए ये डबल टैप टू टाइप हो गया, जस्ट उस पर लिफ्ट टू टाइप पर डबल टैप करना है, मैं वापस लिफ्ट टू टाइप यूज करता हूँ इसलिए वापस डबल टैप करता हूँ, ये अब लिफ्ट टू टाइप हो गया। नीचे जाएंगे स्पीच सेटिंग्स, वाइब्रेट ऑन स्वाइप, अगर आपको वाइब्रेशन रखना है स्वाइप करते समय कीबोर्ड पर तो आप रख सकते हैं, मैं ये नहीं रखता हूँ इसलिए नो है। ठीक है, नीचे जाएंगे ऑटो करेक्ट एक्टिव, ये नया ऐड हुआ है सेटिंग में नए अपडेट में ऑटो करेक्ट, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा नहीं कि ये ऑटो करेक्ट करता हो। ठीक है, फिर भी मैंने उसको एक्टिव रखा है अभी। ऑटो अपर केस यानी पहला वर्ड आप लिखे तो वो कैपिटल में लिखे, इसके लिए यह सेटिंग है कि पहला जो भी वर्ड आप टाइप करें वो कैपिटल में आना चाहिए। एक्टिव, ठीक है, तो ये कैपिटल तो हमने इसको बना दिया है, लेकिन आप जब भी पहला वर्ड लिखेंगे तो एलिक्वेंस थोड़ा हाई पिच में बोलेगा। ठीक है, तो अगर जिसको भी वो हाई पिच नहीं चाहिए तो वो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन को नो कर सकते हैं, सॉरी अपर केस, ऑटो अपर केस को नो कर सकते हैं। की रिपीट स्पीड 10/second, ये हमको ऐसा ही रखना है 10 सेकंड, कि जो भी हम रिपीट करेंगे वो 10 सेकंड के अंदर रिपीट करनी है, 10 सेकंड के अंदर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वही की अगर हम फिंगर उस पर से हटाएंगे नहीं और वहीं पर रखेंगे और उठाकर वापस वही की पर हम रखेंगे तो वो वही की टाइप करेगा 10 सेकंड के अंदर। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री एक्टिव, ये हमें एक्टिव रखना है क्लिपबोर्ड में, क्योंकि आप जो भी कप कट या कॉपी करेंगे इस कीबोर्ड के थ्रू तो वो क्लिपबोर्ड में जाना चाहिए, तो आप फिर कहीं पर इसको पेस्ट कर सकते हो, तो ये एक्टिव रखना है आपको। नोटिफिकेशन टू ओपन कीबोर्ड नो, ये अगर आप एक्टिव रखेंगे तो आप जब भी एडिट बॉक्स में होंगे तो नोटिफिकेशन खोलेंगे तो वहां पर भी आपको बताएगा ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड नोटिफिकेशन पैनल में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम एडिट बॉक्स में डबल टैप करते तो ऑलरेडी हमारा ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड खुल जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप फीडबैक, हाईलाइट प्रेस की, ये आप जब भी टाइप करें तो आपकी की जो हम टाइप करेंगे वो हाईलाइट होनी चाहिए। एक्टिव है, लेकिन इसको हम एक्टिव रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हाईलाइट भी हो तो हम देख नहीं सकते, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए नो कर देते हैं। ठीक है, वाइब्रेट व्हेन अ की इज प्रेस्ड, आपको वाइब्रेशन की प्रेस हुई कि नहीं ये वाइब्रेट से पता चलेगा, अगर आप वहां पर ले गए और आपने फिंगर लिफ्ट की अगर वो वाइब्रेट नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका फिंगर ठीक से वो की पर नहीं आया, तो आपको समझ जाने का कि मेरा की टाइप नहीं हुआ है, अगर वो वाइब्रेशन करे लिफ्ट करे फिंगर या आप डबल टैप करें जो भी मोड पर आप रखें तो उस पर वाइब्रेशन होने के बाद ही वो टाइप होगा, वो समझना होगा आपको। ठीक है, आप अगर आपकी फिंगर टोटली वो कीपर नहीं है तो आप कभी कभी लिफ्ट भी करेंगे या डबल टैप भी करेंगे वो टाइप नहीं होगा, तो ये वाइब्रेशन फीडबैक से आपको पता चलेगा कि टाइप हुई कि नहीं। ठीक है, ये नो है, मैं उसको एक्टिव कर देता हूँ डबल टैप से, एक्टिव हो गई। क्लिक साउंड व्हेन अ की इज टाइप, तो वाइब्रेशन के साथ आप साउंड भी रख सकते हैं, तो दोनों में से एक रखना चाहिए, जिसको वाइब्रेशन अच्छा लगता है वो वाइब्रेशन रखे, जिसको साउंड अच्छा लगता है वो साउंड फीडबैक रखे। एक्टिव है तो मैं वाइब्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूं तो इसको मैं नो कर देता हूं। Click sound when the key is checked. Check box. Seek control. 100%. OK button. Change settings. Click sound when the key is typed. Checked. Check box. Checked है, उसको uncheck करना है. Not checked. ठीक है. OK. ये OK button Not पर. Not checked. OK button. Settings. ठीक है. तो यहाँ पर ये हो गया. Active. Click sound का. Vibrate when it's active. Click no. Backup again. बैकअप एंड रिस्टोर की सेटिंग, ये हेडिंग है इसका, नीचे जाएंगे एक्सपोर्ट सेटिंग्स, एक्सपोर्ट सेटिंग यानी कि अब इस जो भी सेटिंग आपने बनाई है
वो आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी है, कीबोर्ड सिलेक्ट नहीं करना है, जो आपके यूजर डिफाइंड की है जो आपने लेबल करके रखी है वो सब आपको वापस चाहिए, तो आप एक्सपोर्ट सेटिंग कर सकते हैं इस कीबोर्ड की। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको ये मैं आपको करके बताता हूँ। एक्सपोर्ट सेटिंग Light accessibility keyboard settings _2015_12_12_24_19_18_45.xml directory /storage/emulated/ export settings OK button file name ये फाइल नेम आपका edit box currently editing blind accessibility keyboard setting वाला होगा directory कहाँ पर /storage/emulated/0 यानी आपके स्टोरेज एम्युलेटेड जीरो यानी आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पर किसी भी डायरेक्टरी में नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड सेटिंग के नाम से। ये आपको यहाँ से अप करके आप अलग लोकेशन भी दे सकते हैं। तो अब आपको ओके कर देना है, यहाँ पर ऊपर आपको ओके आया था। ये ओके बटन पर टैप करेंगे तो आपका सेटिंग बन जाएगा, लेकिन मैं ओके इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटिंग का बैकअप लिया है, मैंने एक्सपोर्ट सेटिंग कर दिया है, तो हम बैक जाएंगे। अब ये इम्पोर्ट सेटिंग है, इम्पोर्ट सेटिंग में आप जो भी सेटिंग आपने की है वो आपको सेटिंग किए बगैर मिल जाए तो यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। डबल टैप करूंगा ये आपको अब यहाँ से डायरेक्ट ही वो लोकेशन बता देगा जहाँ पे आपका ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड का सेटिंग आपने रखा है, इंटरनल स्टोरेज में बाहर ही रखा है एक फोल्डर में। अब यहाँ पर आपने अगर किसी और लोकेशन में रखा है तो आपको वो सिलेक्ट करना है अप करके, लेकिन मैंने बाहर ही रखा है तो मैं नीचे जाकर ये ढूंढूंगा। Flipper, download, the .dcim, Bluetooth, blind accessibility keyboard settings _2015_12_24_settings, settings, settings, version 3.4.1। मेरी जो भी सेटिंग थी वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो गई है, जो भी मैंने सेटिंग बस उसको उस पर आप डबल टैप करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग इंपोर्ट यहाँ पर हो जाएगी। अब नीचे जाएंगे जहाँ से हमने छोड़ा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग। अब यहाँ पर आपको टेस्ट कीबोर्ड करना है, तो टेस्ट कीबोर्ड नीचे आएगा, तो यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हैं कीबोर्ड को कि आपका कीबोर्ड का सेटिंग ठीक से हुआ या नहीं, किस तरह से आप स्विच ओवर कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिंग हम देख लेते हैं। ये कीबोर्ड हमारा ओपन हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉल जो कीबोर्ड है उस पर पहली जो रो है इसमें नंबर्स है F-R-E-W-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 ये पूरे बटन है पूरी पहली लाइन में, फिर जो भी हमारा कीबोर्ड है कंप्यूटर में जो होता है उसी तरह से पहले QWERT वाली लाइन, फिर ASDF वाली और Z के बाजू में शिफ्ट है, और इस तरह से भी यहाँ पर M और M के बाजू में एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाजू में क्वेश्चन मार्क है जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो ये बाहर ही आपको मिल जाएगा, इसीलिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क ये यहाँ पर है, इसलिए मुझे ये कीबोर्ड ज्यादा पसंद है कि ये सब बाहर ही आ जाते हैं। और वापस राइट साइड पर भी शिफ्ट का बटन है, ठीक है, एम के बाद है ये नीचे फोर्थ रो में, और जो लास्ट रो है उसमें देखिए आप स्पेशल स्पेस ये स्पेस है, इसमें
यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं अगर इसको लेफ्ट साइड में घूमता हूँ तो कोमा भी यहाँ मिल जाता है मुझे, और राइट साइड में अगर स्पेस के जाता हूँ तो पीरियड भी मिल जाता है, यानी डॉट पॉइंट। इसके बाजू में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे स्पीच इनपुट का बटन मिल जाएगा, ठीक है, ये स्पीच इनपुट उसके जस्ट बाजू में ही है। ये कर्सर लेफ्ट, यानी आप कहीं भी एडिटिंग फील्ड में हैं तो आपको अल्फाबेट बाय अल्फाबेट लेफ्ट जाना है तो, और उसके ही बाजू में कर्सर राइट, तो आप दूसरे कर्सर राइट साइड भी आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर्सर से। और ये लेफ्ट राइट के कर्सर के थोड़े नीचे जाएंगे आप, स्विच इनपुट मेथड, तो यहाँ से आप कीबोर्ड चेंज भी कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज इनपुट में जाके कीबोर्ड में जाकर ही नहीं करना पड़ेगा। ये स्विच इनपुट देखिए, मैं यहाँ पर लिफ्ट करता हूँ यहाँ से फिंगर, देखिए यहाँ से डायरेक्ट चेंज कीबोर्ड आ गया। वो स्विच इनपुट मेथड पर आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ से कीबोर्ड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये नॉट चेक गूगल कीबोर्ड आ गया, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही स्विफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे कीबोर्ड पर, यहाँ से बैक कर लेंगे क्योंकि हमें अभी उसको सिर्फ स्विफ्ट नहीं करना है। अब ये वापस यहाँ पर जो स्पेस है लेफ्ट में जाऊंगा, कॉमा है, इमेजेस जो भी इमोजेस है वो किस तरह से अंदर आप ये बोलेगा ये आप देखिए, बहुत ही अच्छा इसमें ये फीचर है। Face with tears of joy. Sleepy face. This face with open. Face with stuck out tongue and quite smiling face. Answer face. Unamused face. Delete. Disappearing face. Face with open mouth and sleepy face. Face with cry persevere. Smiling face with open mouth. ठीक है, ये सारे emojis यहाँ पर आपको crying, tearful face. मिल जाएंगे. Keys and history. फिर main. जहाँ पर matter. Face with look of triumph. Outing images. इमोजिस जो बटन है उसके बाजू में आपको वापस मेन कीबोर्ड पे जाना है तो मेन बटन मिलेगा, देखिए मेन, ठीक है, यहाँ से मेन पर आप लिफ्ट करेंगे तो मेन पर वापस आ जाएंगे। अब उसके बाजू में इमोजिस के बाजू में उसके बाजू में जाएंगे तो कीज एंड हिस्ट्री। अब ये जो कीज एंड हिस्ट्री पर मैंने लिफ्ट किया है तो ये हमारा वो आ गया है फीचर जो हमने बनाए थे लेबल करके यूजर डिफाइन की, तो मैंने बनाया था वहाँ पर एड्रेस, तो देखिए यहाँ पर एड्रेस ये सारे मैंने जितने भी लेबल किए तो यहाँ पर मुझे ठीक है। तो एड्रेस का इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि हमने सेटिंग इंपोर्ट कर दिया है ऑलरेडी, मेरा जो बैकअप लिया हुआ था तो वहां से जो भी मैंने लेबल किए थे की वो यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं और जो हमने सेटिंग में किया था वो यहां से निकल चुका है। तो अभी मैंने यहां पर देखिए एडिट बॉक्स में लिमड़ी वाला ताहिर एच जो मेरा नाम है वो वहां पर आ चुका है, तो दो बार मैंने नेम प्रेस किया नेम वाला लेबल तो दो बार यहां पर ये वो एडिट बॉक्स में आ गया है। तो इस तरह से ये जस्ट लिफ्ट करने से उस की पर वो जो आपने डिफाइन की किया था और हम अब जो लिखना चाहेंगे वो एक ही की से आप लिख सकते हैं। अब आगे वापस हम दूसरा सेटिंग देखेंगे, ये वापस मेन कीबोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है, अब नीचे और आगे जाएंगे न्यूमेरिक कीबोर्ड, यहाँ से आप नंबर की अगर आप सिर्फ नंबर की चाहते हैं तो यहाँ से मिल सकती है आपको, देखिए यहाँ से ये नंबर कीज है, ये स्टार हैज सब यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब वापस हम मेन कीबोर्ड में चले जाते हैं, अब मेन कीबोर्ड में वापस हम आ चुके हैं, फिर यहाँ से हम नीचे और आगे जाएंगे, ये हम स्पेस के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। स्पेशल यहाँ पर स्पेशल की ये बहुत इम्पोर्टेंट की है, इसकी स्पेशल
इस पे हम लिफ्ट करेंगे फिंगर। अब ये स्पेशल कीबोर्ड खुल गया, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ जो भी सिंबल है आपको यहीं से मिलेंगे। देखिए एट वाला फिंगर है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो बाहर मिलता है हमको, रीडू, ये फर्स्ट लाइन में मैं पहले मेरे फिंगर मूव करता हूँ कि फर्स्ट लाइन में आपको क्या क्या मिलेगा। अंडू, रीडू, कट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, होम, एंड, यानी होम यानी आपको सबसे पहले आना है, जो भी लिखा है उसके फर्स्ट लाइन में आना है, और एंड यानी आप लास्ट में जाना चाहते हैं जो भी लिखा है उसके, पेज अप, पेज डाउन, बैक स्पेस, ये वापस लास्ट की आ गई है बैक स्पेस वाली। अब नीचे सेकंड लाइन में जाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, पहले टिल्डे था, एट सेकंड लाइन में दूसरा ही है, एट द रेट वाला एट, फिर हैश, डॉलर, परसेंट, एम्परसेंट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, डिलीट, ये डिलीट की बैकस्पेस के बिल्कुल नीचे है। अब ये बैकस्पेस की और डिलीट की में यही फर्क है, जो हमारे कंप्यूटर में डिलीट और बैकस्पेस की होती है। डिलीट से आप जो भी लेटर राइट साइड के उसको डिलीट कर सकते हैं, कर्सर के राइट साइड वाली, और बैकस्पेस से आप कर्सर की लेफ्ट साइड की कर सकते हैं डिलीट। तो ये कीबोर्ड के मेन इमोजी सारे फंक्शन में ये बैकस्पेस डिलीट की तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये थर्ड लाइन, ये अंडरस्कोर यहाँ पर है, देखिए डिलीट के नीचे आपको एंटर की भी मिलेगी, जो हमें न्यू लाइन में जाना है या फिर किसी भी एडिट बॉक्स में और दूसरे एडिट बॉक्स में हमें शिफ्ट करना है तो आप एंटर की से जा सकते हो। वापस हम मेन इसके इसमें आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऊपर लिखा है मैंने अपना नाम एडिट बॉक्स में, वो एक साथ में डिलीट करना चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके कैसे कर सकता हूँ इस फीचर की मदद से, वो बता दूँ। मैं सिलेक्ट ऑल की पर जाता हूँ फर्स्ट लाइन में, क्लोज ब्रैकेट, पेज डाउन, एंड, होम, सिलेक्ट ऑल, ये सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, लिंडा वाला टावर एच, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, वो बोलेगा सिलेक्ट करने के बाद जो भी एडिट बॉक्स में लिखा है। अब मैं डिलीट की प्रेस करूँ या बैकस्पेस, दोनों में ये क्लियर हो जाएगा और बोलेगा भी वो, देखिए एडिट बॉक्स, बैकस्पेस, क्लियर टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट, यानी आपका जो भी लिखा हुआ था सारा एक ही दो की के यूज से अब सारा जो भी लिखा हुआ वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्पेशल में काफी अच्छी है फैसिलिटी इसमें दी गई है। अब मैं वापस मेन कीबोर्ड में आता हूँ, मेन कीबोर्ड वापस मेरा आ गया। अब जो रही बात जो एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुआ था इसमें कि आप शिफ्ट के ऊपर अपने फिंगर होल्ड करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो चेंज होता है, यानी जो हमने मैनेज कीबोर्ड में जाके वो जो ऐड किए थे, एक पीसी वाला लिया था हमने और एक हमने लिया था हिंदी वाला, तो वो किस तरह से स्विच ओवर करते हैं वो देखेंगे हम। अब मैं स्पेस की पर अपनी फिंगर रखता हूँ और थोड़ी देर वहीं पर रहने देता हूँ तो वो बोलेगा स्पेस, स्विच द कीबोर्ड, अंडरस्कोर पीसी, देखिए ये स्विच हो गया। अब क्योंकि आपको लगभग 10 सेकंड तक आपको वो रखना पड़ेगा आपका स्पेस पर आपकी फिंगर, तो अब ये पीसी वाला लेआउट पूरा आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये पीसी वाला पूरा लेआउट कैसा है, मैं टच करके आपको बताता हूँ। देखिए अब शिफ्ट के बाजू में कंट्रोल और अल्टर भी आ गए, कंट्रोल, विंडोज की भी आ चुकी है, ये मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ स्पेस के, कंट्रोल, ये ऑल्ट यानी अल्टर भी आ गया है स्पेस के इस साइड पर, कंट्रोल, कर्सर अप भी आ गया है, कर्सर डाउन भी आ गया है, कर्सर लेफ्ट, कर्सर अप, शिफ्ट, शिफ्ट, कर्सर राइट, कर्सर अप, कर्सर डाउन, ये सारे डाउन अप सारे आ गए जो भी पीसी में हमें मिलता है। shift, enter,
जब पी के बाजू में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट भी आ गया। अगर आप पी सी प्लस लेते तो उससे भी ज्यादा आपको की मिलती यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंबल के साथ, लेकिन वो काफी कंजस्टेड हो जाता है, फिर हम इजीली उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। अब मैं वापस हिंदी कीबोर्ड लाने के लिए स्पेस पर आकर उस पर होल्ड रखूंगा मेरे फिंगर। Switch the keyboard. An underscore and the underscore small. ये हम मैंने शायद 15 सेकंड तक रखा उस पे होल्ड, तो अब ये हिंदी आ गया। 10 भी नहीं, 15 सेकंड तक आपको वहां पर फिंगर रखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये पूरा हिंदी कीबोर्ड आ गया है। अब आप हिंदी के लेटर में आपको बुलवाता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं टच करता हूँ फिंगर, ये मेरा लेखा बोल रहा है, ठीक है। तो अब मैं वापस मेरा डिफॉल्ट जो कीबोर्ड है स्मॉल उस पर आना चाहूंगा, तो मैं स्पेस पर होल्ड करूंगा फिंगर ले जाके। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अब ये हुआ, ये वापस स्मॉल वाला आ गया। आई होप आपको इसको सुनकर मजा आ गया होगा और आप काफी इससे सीखे भी होंगे। तो सबको इस कीबोर्ड को यूज करने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों ये थी जानकारी ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड के बारे में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है एंड्रॉयड वर्ल्ड फॉर वीआई। और आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। Thank you. If you like this podcast, like this video, share with other people, and don't forget to subscribe this channel. If you have any suggestion, please do share in comment section. Or you can send mail us on following email ID myaworld.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smartphones.